हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके सितंबर माह के करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहला है आपका सबरीमाला मंदिर, केरल। केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर, जिसमें भगवान अय्यप्पन की प्रतिमा है, लगभग 1500 वर्ष पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर के पुजारियों का यह तर्क है कि जो भगवान अय्यप्पन है वे ब्रह्मचारी है, इसलिए इस मान्यताओं के कारण ही इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने 4-1 के बहुमत से इस निषेध को हटा दिया है। उन्होंने अपने तर्क में यह कहा है कि यह निषेध कहीं ना कहीं मंदिरों में प्रवेश का यह निषेध कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया है कि भारत के नागरिकों से केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से रोका जाएगा। अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और आपका अनुच्छेद 25 और 26, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इन सभी आपका अधिकारों का हवाला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ है, उसमें 4-1 के बहुमत से इस निषेध को हटा दिया गया है। ये कंट्रोवर्सी में तब रहा जब इसमें जो आपके 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें आपका 4 पुरुष जज और एक महिला जज, जो कि आपकी इंदु मल्होत्रा है, तो जो 4 पुरुष जज है उन्होंने इसके अगेंस्ट में अपना फैसला दिया, यानी मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश का जो निषेध है उसे हटाने के लिए इन्होंने अपना पक्ष रखा, जबकि जो आपकी इंदु मल्होत्रा जो कि एक महिला जज है, उन्होंने महिलाओं के प्रवेश में निषेध को हटाए जाने का विरोध किया। उनके अनुसार हमें भारत में जो कि विभिन्न धर्मों का एक देश है, उसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप भारत के सर्वोच्च अदालत को नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने अपना तर्क रखा। तो फिलहाल इसमें बहुमत होने के कारण इस निषेध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। नेक्स्ट है आपका पोक्योंग हवाई अड्डा। पोक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम राज्य के निर्माण के बाद यह राज्य का पहला हवाई अड्डा है तथा देश का 100वां हवाई अड्डा है आपका पोक्योंग हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य का पहला हवाई अड्डा तथा देश का 100वां हवाई अड्डा है आपका पोक्योंग हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका सैमसंग अनुभव केंद्र। सैमसंग अनुभव केंद्र, अभी कुछ महीने पहले ही सैमसंग ने अपना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था आपका नोएडा में। उसके बाद अभी हाल ही में सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग अनुभव केंद्र, मीन्स सैमसंग एक्सपीरियंस जोन का उद्घाटन किया है बेंगलोर कर्नाटक में। ये क्या है सैमसंग अनुभव केंद्र, क्या है इसमें सैमसंग स्मार्टफोन से संबंधित विभिन्न प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहां पर जाकर के लोग सैमसंग के विभिन्न प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये सैमसंग का जो एक्सपीरियंस जोन है, ये खोला गया है आपके बेंगलोर कर्नाटक में, सैमसंग अनुभव केंद्र या सैमसंग एक्सपीरियंस जोन बेंगलोर कर्नाटक। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम व्यक्तित्व और कुछ नियुक्तियों पर। देखिए, हाल ही में अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए आपके रंजन गोगोई। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो ये 46वां जो इनका क्रमांक है 46वां, इसे याद रखिएगा कि ऐसे टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश है आपके रंजन गोगोई, जो कि दीपक मिश्रा की जगह लेंगे। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपके के एन व्यास। इनका पूरा नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास, आप याद रखिएगा के एन व्यास। के एन व्यास भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। हाल ही में भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ अलवी जो 13वें राष्ट्रपति है। तो जब ये प्रश्न आएगा तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन में डॉक्टर आरिफ अलवी का भी नाम रहेगा और इमरान खान का भी नाम रहेगा, जो कि अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री पूछ रहा है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति है आपका डॉक्टर आरिफ अलवी, जबकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो है अभी इमरान खान।
नेक्स्ट है आपके अभिलाष टॉमी। हाल ही में हिंद महासागर में होने वाले गोल्डन ग्लोब रेस में भारतीय नौसेना के अभिलाष टॉमी ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि हिंद महासागर में उठने वाली तूफानों में ये फंस गए थे और लगभग 3 दिनों तक ये लापता हो गए थे। इस जिन्हें 3 दिन के पश्चात भारतीय नौसेना ने इन्हें ढूंढ निकाला। तो याद रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब रेस से संबंधित है आपके अभिलाष टॉमी, भारतीय नौसेनी। नेक्स्ट है आपका कौशल भारत मिशन ब्रांड एम्बेसिडर। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कौशल भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किए गए हैं आपके वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को भारतीय कौशल भारत मिशन ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया है। देखिए, इनकी जो अभी हाल ही में फिल्म में रिलीज हुई है आपकी सुई धागा मेड इन इंडिया, ये आपका भारतीय बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ये सारे के सारे जो आपके छोटे स्तर पे जो आपके कारीगर है उनके इर्द गिर्द इनकी जो मूवी है घूमती है। इसलिए इन्हें वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जो कि इनकी फिल्म है सुई धागा, उन्हें देखते हुए ही इन्हें कौशल भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसिडर चुना गया है। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पर है आपका अप्सरा। अप्सरा जो कि एशिया और देश का पहला परमाणु रिएक्टर है, एशिया और देश का पहला परमाणु रिएक्टर है आपका अप्सरा, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में अप्सरा की स्थापना की गई थी, जबकि वर्ष 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा, अप्सरा एशिया या देश का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जबकि औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1957 में किया गया था। अप्सरा यह स्थित है बार्क मीन्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे मुंबई महाराष्ट्र के परिसर में, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के परिसर में स्थित है आपका अप्सरा। इसे स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था वर्ष 2009 में, लेकिन भारत में इसे परमाणु क्षेत्र में इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए इसे पुनः प्रारंभ किया गया है आपका 10 सितंबर 2018 को इसे पुनः प्रारंभ किया गया है, जबकि इसे स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था वर्ष 2009 को। देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में जो ज्येष्ठ संपरीक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे स्थायी तौर पर आपका बंद कर दिया गया था, किस परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया गया था, जिसमें 2-3 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए, 2009 में यह बंद हुआ था, लेकिन अभी 10 सितंबर 2018 को इसे अप्सरा यू के नाम से दोबारा प्रारंभ किया गया। अप्सरा यू, अप्सरा यू का फुल फॉर्म है अप्सरा अपग्रेडेड, या इसे हिंदी में बोलेंगे अप्सरा उन्नत, ठीक है। वर्ष 1956 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब उसकी क्षमता थी आपकी 1 मेगावाट, लेकिन अभी अप्सरा अपग्रेडेड की वर्तमान क्षमता है आपका 2 मेगावाट, और जो इसमें ईंधन यूज़ किया जा रहा है वो है आपका LEU मीन्स लो एनरिच्ड यूरेनियम। तो ये दोनों को याद रखिएगा, अप्सरा का नया वर्जन है अप्सरा यू मीन्स अप्सरा अपग्रेडेड या अप्सरा उन्नत, इसकी वर्तमान क्षमता है 2 मेगावाट, जबकि इसमें जो ईंधन हो रहा है वो है आपका LEU मींस लो एनरिच्ड यूरेनियम। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वर्ष 1956 में जब इस अप्सरा की स्थापना की गई तब उस समय उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, अनुसंधान रिएक्टर देश के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ होती है। अनुसंधान रिएक्टर देश के परमाणु कार्यक्रमों की रीढ़ होती है, यह किसका कोटेशन है पूछा गया, तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। तो अनुसंधान रिएक्टर, ये जो अप्सरा है ये अप्सरा एक अनुसंधान रिएक्टर है, इसे भी याद रखिएगा, अनुसंधान रिएक्टर यानी इसमें परमाणु से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। तो अप्सरा एक अनुसंधान रिएक्टर है, अनुसंधान रिएक्टर देश के परमाणु कार्यक्रमों की रीढ़ होती है, ये किसका कोटेशन है तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। अब नेक्स्ट है योजना, पहले नंबर पर है PM आशा योजना। पीएम आशा योजना जिसका फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उन्होंने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से रोड मैप 2022 तैयार किया था, तो उसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में पीएम आशा योजना को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके 3 प्रमुख घटक है। देखिए, ये जो आपका पीएम आशा योजना है, ये इनमें उन फसलों को या कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है
जिसके उत्पादन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष दर वर्ष असमानताएं बनी रहती है। इसके उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफ़ी असमानताएं बनी रहती है, यानी कभी इसकी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है तो कभी इसका उत्पादन काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी काफ़ी घटता बढ़ता रहता है। तो उन कृषि उत्पादों को इस प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है, जैसे है आपका ये मूल्य समर्थन योजना PSS, PSS मीन्स प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसके अंतर्गत आपका दलहन फसल, तिलहन फसल और कोपरा, कोपरा मीन्स सूखा हुआ नारियल, नारियल का जो सूखा हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है कोपरा। तो दलहन, तिलहन और कोपरा को इसके जो एक घटक है मूल्य समर्थन योजना, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा है आपका मूल्य न्यूनता भुगतान योजना PDPS मीन्स प्राइस डेफिशियंसी पेमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। और ये है आपका तीसरा है निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना PPSS मीन्स प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, जिसके अंतर्गत तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। तो जो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसलों की खरीदी राज्य सरकार करती है, लेकिन जो आपके ये सेलेक्टेड जो कृषि उत्पाद है जिसे इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसमें जो कृषि उत्पादों की खरीदी राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर, केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार इन कृषि उत्पादों की खरीदी करेगी तथा इस खरीदी में होने वाले व्यय तथा नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार ही करेगी। इस योजना का मुख्य बिंदु में ये है कि इस योजना में जो फसलों की खरीदी है उसमें पहली बार निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। देखिए निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना, पहली बार कृषि उत्पादों की खरीदी के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है, स्पेशली तिलहन फसलों के, यानी जिस समय आपका इसके उत्पाद और न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों में काफ़ी असमानताएँ रहेगी तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार निजी कंपनियों से के निजी कंपनियों को अप्रोच कर सकती है इन फसलों के खरीदारी के लिए। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जो कि किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है, इसके तीन प्रमुख घटक है, मूल्य समर्थन योजना जिसमें दलहन, तिलहन और कोपरा की फसलों को शामिल किया गया है, दूसरा है आपका मूल्य न्यूनता भुगतान योजना PDPS जिसमें सभी प्रकार के तिलहन फसलों को शामिल किया गया है, और तीसरे नंबर पर निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना PPS जिसमें तिलहन फसलों को शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत पहली बार निजी कंपनियों को कृषि उत्पाद खरीदी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार शामिल कर रही है। नेक्स्ट, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति को नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बेरोजगार व्यक्तियों को नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति यानी ऐसे बेरोजगार जो कि पहले नौकरी में थे लेकिन किसी कारणवश उनकी नौकरी चली गई या उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को सरकार नगद आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए भी इसमें जो लाभार्थी होंगे वो लाभार्थी कौन होंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मीन्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को ही यह लाभ मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत जो व्यक्ति बीमित होंगे उन्हें इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश उसकी नौकरी चली जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है तो इस योजना के अंतर्गत उसे नगद आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आपका प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं लेकिन आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे हमारा भिलाई स्टील प्लांट है तो उसमें जितने भी कर्मचारी है उसमें कर्मचारियों को उनके पेमेंट से कुछ पैसा आपका ESIC मीन्स आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत उनका कुछ पैसा पेमेंट से काट लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ आपके सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी है जो कि इसके अंतर्गत शामिल है, यदि उनकी नौकरी चले जाती है तो उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत आपको नगद आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना का ये पूरा नाम याद रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
इस आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था आपका रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके वर्तमान सीईओ है आपके डॉक्टर इंदु भूषण। डॉक्टर इंदु भूषण इस आयुष्मान भारत योजना के वर्तमान सीईओ है तथा इससे संबंधित जानकारी या आपका 24/7 मेडी असिस्ट के लिए इस आयुष्मान भारत योजना का कॉल सेंटर खोला जा रहा है आपका बेंगलोर में। तो इस आयुष्मान भारत योजना का पहला चीज़ तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका शुभारंभ किया गया रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। इसके वर्तमान सीईओ है आपके डॉक्टर इंदु भूषण तथा इसका कॉल सेंटर खोला जा रहा है बेंगलोर में। नेक्स्ट है आपका हृदय योजना। हृदय योजना का प्रारंभ हुआ था आपका जनवरी 2015 में आपका हृदय योजना प्रारंभ हुआ था। इसका फुल फॉर्म है आपका हिस्टोरिकल सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, मींस विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो जिन जिन शहरों में आपके ऐतिहासिक स्थल है उन शहरों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप करना तथा पर्यटकों के अनुकूल उन क्षेत्रों का विकास करना इस हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस हृदय योजना का जो प्रारंभ है ये आपका जनवरी 2015 में किया गया था। अभी हाल ही में इसके प्रथम चरण के अंतर्गत अभी सितंबर 2018 में इसके प्रथम चरण में आपका 12 शहरों का चयन किया गया है। भारत के 12 शहरों का चयन इस हृदय योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में किया गया है। तो हृदय योजना, जिसका फुल फॉर्म है हिस्टोरिकल सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, हिंदी में विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, प्रारंभ 2015, प्रथम चरण में 12 शहरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैंने हमारे इकोनॉमिक सर्वे मीन्स आर्थिक सर्वेक्षण के एक आपका संस्थागत वित्त एवं विनियोजन वाले टॉपिक में मैंने आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताया था, उसमें आप इसे भी अपडेट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है वो आपका 28 अगस्त 2014 को हुआ था, ठीक है। इसमें 10 वर्ष से आयु वर्ग, 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना एक बैंक अकाउंट खुला सकता है। जो भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट खुलाता है उसे एक 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तथा 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता था। लेकिन अब इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए खाताधारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसके ओवरड्राफ्ट सुविधा और आपका दुर्घटना बीमा कवर में वृद्धि की गई है। देखिए, जो कि आपका ओवरड्राफ्ट सुविधा जो कि पहले 5,000 रुपये थी उसे बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। ओवरड्राफ्ट सुविधा मतलब एक प्रकार का ऋण। यदि आप 6 माह तक इस प्रधानमंत्री जनधन खाता में अपना अकाउंट खुला करके 6 माह तक संतोषजनक उसमें लेन देन करते हैं तो आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इसके ये जो आपको ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए जो पहली आपकी आयु सीमा थी वो 18 से 60 वर्ष थी, जिसे अभी बढ़ा करके 18 से 65 वर्ष कर दिया गया है। अब जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटना बीमा कवर जो पहले 1,00,000 रुपये थी उसे बढ़ा करके 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। नए खाताधारक रुपए कार्ड मीन्स जो नए खाताधारक उन्हें रुपए कार्ड दिया जाएगा और जितने रुपए कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके आधार पर ही आकस्मिक दुर्घटना बीमा कवर 2,00,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना में दो अपडेशन है, एक है आपका ओवरड्राफ्ट सुविधा जिसमें 10,000 रुपये का आपका ऋण मुहैया कराया जाएगा 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के कोई भी लाभार्थी इसके अंतर्गत आपके शामिल है। दूसरा है आपका आकस्मिक दुर्घटना बीमा कवर जिसके अंतर्गत आपका 2,00,000 रुपये तक का आपका दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पुरस्कार, पहले नंबर पर है आपका 19वां ऑस्कर अवार्ड 2019। अभी हाल ही में भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्म है आपका विलेज रॉकस्टार वो 19वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुआ है। 19वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की नामित एक फीचर फिल्म है जिसका नाम है विलेज रॉकस्टार। यह एक असमिया फिल्म है, इसकी निर्माता है आपकी रीमा दास। तो याद रखिएगा, 19वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए भारत से नामित फीचर फिल्म है आपका विलेज रॉकस्टार। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को संयुक्त रूप से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इनके पर्यावरण क्षेत्र में इनके कार्यों को देखते हुए तथा सतत ऊर्जा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियाँ और आपके नरेंद्र मोदी जी और इमैनुएल
मैक्रो के द्वारा जो संयुक्त रूप से आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय हमारे गुड़गांव में है, ये इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही प्रारंभ किया गया था। तो इन पर्यावरण के क्षेत्र में इनके विभिन्न कार्यों और इनके योगदान को देखते हुए यूनाइटेड नेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया है नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, और दूसरे है आपके इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फीफा 2018 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हाल ही में फीफा ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है आपके लुका मॉड्रिच को। लुका मॉड्रिच क्रोएशिया राष्ट्र से संबंधित है। आपके मेसी, रोनाल्डो, सलाह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए उनके बीच में फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अपने नाम किया है लुका मॉड्रिच ने। तो ये लुका मॉड्रिच का नाम याद रखिएगा। काफ़ी समय बाद आपके ये जो आपका फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार या तो मेसी को मिलता था या तो रोनाल्डो को मिलता था, तो ये जो आपका फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार ये भी आपका पीएससी अक्सर ये क्वेश्चन उठाता ही है। 2015 पीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा कि फीफा 2018 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है आपका लुका मॉड्रिच को। नेक्स्ट है आपका खेल पुरस्कार। पहले नंबर पर है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है जिसमें लगभग 7.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जबकि ये जो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो बाकी 3 पुरस्कार है इसमें 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो देखिए, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक को दिया जाता है। भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को और मीराबाई चानू जो कि एक वेटलिफ्टर है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर और विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। नेक्स्ट आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों से खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिए, ये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके नीरज चोपड़ा जो कि इस साल काफ़ी हाईलाइटेड थे। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है। दूसरी है आपकी हिमा दास जो कि एक धाविका है। देखिए, ऑप्शन में यदि आपका ये नीरज चोपड़ा का नाम आया और हिमा दास का नाम आया, यदि उसमें आपका भाला फेंक या धाविका ऑप्शन में है तो इन्हें लगाइएगा, या तो इसके अलावा एथलीट्स करके दिया तो एथलीट्स ऑप्शन में लगाइएगा। देखिए, ये अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार काफ़ी लोगों को दिया गया है, लेकिन मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो अभी इस साल कुछ ज़्यादा हाईलाइट में थे, जैसे कि आपकी नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी आपके एशियन गेम्स में भी अपना स्वर्ण पदक जीता है, आपका कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम में भी ये ध्वजावाहक भी थे। तो नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार विजेता है जिनका संबंध भाला फेंक से है। दूसरी है आपकी हिमा दास जो कि एक धाविका है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों या कोच को दिया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देते हैं, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देते हैं, तथा वे खिलाड़ी इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत के लिए कोई ना कोई पदक लाते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें प्रदान किया गया है आपके सीए कुटप्पा जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका ध्यानचंद पुरस्कार खिलाड़ियों के उनके जीवन भर की उपलब्धियों के आधार पर यह ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका सत्यदेव प्रसाद तीरंदाजी को। देखिए, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार काफ़ी लोगों को प्रदान किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जो हाईलाइटेड प्लेयर है केवल उन्हीं के नाम बता रहा हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, बाकी ये अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत किन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है इनके सारे नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खेल। अभी हाल ही में एशियन गेम्स संपन्न हुआ है आपका 18वां एशियन गेम्स इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग ये 2 शहर है जिसमें आपका 18वां एशियन गेम्स हाल ही में संपन्न हुआ। एशियन गेम के इतिहास में यह पहला अवसर था जिसमें 2 शहरों में संयुक्त रूप से आपका एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। एशियन गेम्स
अभी 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ इंडोनेशिया में, 19वां एशियन गेम्स का आयोजन 2022 में होगा आपका हांगझाओ चाइना में। हांगझाओ चाइना में 19वां एशियन गेम्स का आयोजन होगा वर्ष 2022 में, इसे याद रखिएगा। एशियन गेम्स में टॉप थ्री रैंकिंग पे थे आपके, जो फर्स्ट नंबर पर था चाइना सर्वाधिक पदक के साथ, सेकंड नंबर पर था आपका जापान और थर्ड पोजीशन पे था आपका दक्षिण कोरिया। इस एशियन गेम की रैंकिंग में भारत था आपके आठवें स्थान पर। ये रैंकिंग ज्येष्ठ संपरीक्षक में व्यापम पूछ चुका है। भारत की रैंकिंग एशियन गेम्स में थी आठवें स्थान पर, जिसमें भारत ने कुल 69 पदक जीते हैं, 69 पदक, जिसमें से 15, 24 और 30, 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और आपका 30 कांस्य पदक भारत ने जीता। भारत का रैंक है आपका आठवां, टोटल 69 पदक भारत ने जीते। ध्वज उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वज धारक थे आपके नीरज चोपड़ा, जबकि समापन अवसर में थी आपकी रानी रामपाल। रानी रामपाल एशियन गेम्स में महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। एशियन गेम्स में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP मींस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एशियन गेम्स की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है आपकी इकी रिकाको। इकी रिकाको 18 वर्षीय जापानी तैराक है। इकी रिकाको जो कि जापान देश से संबंधित है, ये तैराक है एक। इन्होंने एशियन गेम्स में 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीता। एशियन गेम्स में तैराकी में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतकर एशियन गेम्स के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का टाइटल भी अपने नाम किया। तो इनका नाम याद रखिएगा, इकी रिकाको 18 वर्षीय जापानी तैराक। एशिया कप्स, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2018 संपन्न हुआ, जिसका आयोजन किया गया था आपका UAE या दुबई में। इसकी विजेता टीम रही आपकी भारत, जिसने 7वीं बार, इसे याद रखिएगा, भारत ने अभी हाल ही में आपका एशिया कप जीता। भारत अब तक कुल 7 बार एशिया कप जीत चुका है। एशिया कप की अभी विजेता टीम रही आपकी इंडिया, उप विजेता टीम रही आपकी बांग्लादेश। इसमें मैन ऑफ द मैच मिला है आपके लिटन दास, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है, और मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है आपके शिखर धवन को। ठीक, देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम युद्धाभ्यास की ओर। पहले नंबर पर है आपका सागरमाथा युद्धाभ्यास। सागरमाथा युद्धाभ्यास या माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप युद्धाभ्यास, ये हो रहा है आपका नेपाल और चीन के मध्य। नेपाल और चीन के मध्य सागरमाथा युद्धाभ्यास हो रहा है। ये सागरमाथा युद्धाभ्यास, ये नाम रखा गया है भारत और चीन की सीमा के मध्य माउंट एवरेस्ट का, यह नेपाली नाम है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है आपका सागरमाथा, तो इसी के नाम पर रखा गया है आपका सागरमाथा युद्धाभ्यास। तो याद रखिएगा, सागरमाथा युद्धाभ्यास है, ये हो रहा है आपका नेपाल और चीन के मध्य। दूसरा है आपका मिलेक्स। मिलेक्स का फुल फॉर्म है आपका मिलिट्री, और ये है आपका एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज 2018, ये हो रहा है आपका बिम्स्टेक राष्ट्रों के मध्य होने वाला सैन्याभ्यास है। ये बिम्स्टेक राष्ट्रों के मध्य होने वाले सैन्याभ्यास का नाम है मिलेक्स, मींस मिलिट्री एक्सरसाइज 2018, ये हो रहा है आपके पुणे में। देखिए बिम्स्टेक के अंतर्गत कुल 7 राष्ट्र शामिल है, वो कौन कौन से है देखिए, एक है आपका बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा म्यांमार, चौथा है आपका श्रीलंका, पाँचवा थाईलैंड, उसके अलावा छठवा नेपाल और सातवा है आपका भूटान। तो ये जो बिम्स्टेक का जो सैन्याभ्यास हो रहा है आपका मिलेक्स, इसके अंदर आपका जो नेपाल है, नेपाल इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हो रहा है। इस सागरमाथा युद्धाभ्यास के कारण नेपाल ने इस मिलेक्स युद्धाभ्यास में पार्ट लेने से मना कर दिया। तो याद रखिएगा कि मिलेक्स युद्धाभ्यास में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हो रहा है, नेपाल। मिलेक्स युद्धाभ्यास बिम्स्टेक राष्ट्रों के द्वारा किया जाने वाला एक सैन्य युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन किया गया है आपके पुणे महाराष्ट्र में। इसमें बिम्स्टेक राष्ट्रों में नेपाल इस मिलेक्स युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हो रहा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सिलनेक्स, इससे भी आपको मालूम चल जाएगा ये सिलनेक्स युद्धाभ्यास किसके मध्य है। SL, देखिए SLINEX, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2018। इस युद्धाभ्यास को देखिए, रटने की कोशिश मत कीजिए कि ये सिलनेक्स युद्धाभ्यास क्या है, आपका मिलेक्स युद्धाभ्यास क्या है, इंदिरा युद्धाभ्यास क्या है,
इसके नाम में ही इसके राष्ट्रों के युद्धाभ्यास शामिल होते हैं। जैसे देखिए आपका सिलनेक्स मीन्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2018, सिलनेक्स हो रहा है आपके भारत और श्रीलंका के मध्य, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका आयोजन हो रहा है आपका त्रिनोमाली श्रीलंका में, त्रिनोमाली श्रीलंका में आपके सिलनेक्स 2018 का आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका काजिद, काजिद देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है KAZIND, काजिद, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य किए जाने वाले युद्धाभ्यास का नाम है आपका काजिद, ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य ये हो रहा है आपका उत्तर कजाकिस्तान में। देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछता है, जैसे व्यापम ने एक प्रश्न उठाया था आपका इंदिरा युद्धाभ्यास भारत के साथ किस अन्य देश के साथ किया गया युद्धाभ्यास था, उसमें बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन किया, उसका गलत आंसर लिया। यदि हम इंदिरा को फुल फॉर्म करेंगे तो INDRA मीन्स INDRA मीन्स इंडिया, RA मतलब रशिया। तो कोई भी युद्धाभ्यास आता है तो सबसे पहले आप उसका नाम को इंग्लिश में साइड में लिखने की कोशिश कीजिए, आपको उसी से उस संयुक्त राष्ट्र किस दो राष्ट्रों का संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए काजिद कजाकिस्तान इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। वॉस्टोक युद्धाभ्यास, वॉस्टोक युद्धाभ्यास पूर्वी रूस में शीत युद्ध के बाद किया जाने वाला रशिया मिलिट्री के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। विश्व में यह अब तक का किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जिसका नाम है वॉस्टोक रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इसमें भारी मात्रा में रशिया की जो मिलिट्री है शामिल हो रहे हैं, लगभग 3 लाख आपके सैनिक, 36,000 लड़ाकू विमान, 1,000 विमान, 80,000 युद्ध पोत, इतनी बड़ी मात्रा में इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। इस रशिया मिलिट्री अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज या वॉस्टोक युद्धाभ्यास में आपके रशिया के साथ साथ ये चाइना भी इस वॉस्टोक युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। तो वॉस्टोक युद्धाभ्यास रशियन मिलिट्री के द्वारा किया जाने वाला युद्धाभ्यास है जिसमें रशियन मिलिट्री के साथ आपका चाइना शामिल हो रहा है। यह अब तक का किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नोमेडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, नोमेडिक एलिफेंट 2018 ये भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास, देखिए इसका नाम डायरेक्ट है युद्ध अभ्यास 2018 ये किया जा रहा है भारत और अमेरिका के मध्य। इसके नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इस एक्सरसाइज इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम ही है आपका युद्ध अभ्यास 2018 भारत और अमेरिका के मध्य किया जाने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो कि आपका चौबटीका उत्तराखंड के चौबटीका में यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका IO वेव 2018 UNO मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के IOC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ओसिनोग्राफी कमीशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया जो कि हिंद महासागर में सुनामी से संबंधित एक मॉकड्रिल है। IO वेव हिंद महासागर में सुनामी से संबंधित एक मॉकड्रिल है जो कि UNO की IOC कमीशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ साथ 23 अन्य देश भी शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सुनामी के समय जो एकदम तत्कालीन प्रतिक्रिया होती है, सुनामी के समय जो चेतावनी प्रणाली है इसे मजबूत करने के उद्देश्य से यह IO वेव 2018 का आयोजन किया गया। हिंद महासागर सुनामी मॉकड्रिल है जिसमें भारत के साथ अन्य 23 देश शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट अब निधन पर, देखिए अभी हाल ही में दो चर्चित व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पहले नंबर पर है आपके तरुण सागर जैन धर्म संबंधित है, जैन मुनि तरुण सागर ये फेमस है अपनी एक व्याख्यान श्रृंखला के लिए। इनकी व्याख्यान श्रृंखला या हम कहें अपने शब्दों में तो सत्संग, इनकी व्याख्यान श्रृंखला चलती है कड़वे वचन के नाम से। तो देखिए ये कड़वे वचन को याद रखिएगा, कड़वे वचन व्याख्यान श्रृंखला है आपके आचार्य तरुण सागर जो कि एक जैन मुनि है। नेक्स्ट तुलसीदास बोरकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये है आपके हारमोनियम वादक है आपके तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया था। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका रैंकिंग। पहले नंबर पर है मानव पूंजी स्तर सूचकांक। मानव पूंजी स्तर सूचकांक यह रैंक तैयार किया जाता है कि कोई देश अपने मानव पूंजी स्तर को बेहतर करने की दिशा में कितना निवेश कर रहा है। मानव पूंजी स्तर को बेहतर करने की दिशा में कितना निवेश कर रहा है, इसके आधार पर यह मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें टॉप पोजीशन पर है आपका फिनलैंड, जबकि 158th पोजीशन पर है भारत। 158th पोजीशन पर है भारत। भारत अपने मानव पूंजी स्तर को बेहतर करने की दिशा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सर्वाधिक निवेश करता है। तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के साथ भारत 198 स्थान पर है मानव पूंजी स्तर सूचकांक में। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन T2 कार्यक्रम, मीन्स WWF T2 कार्यक्रम, ये क्या है? ये आपका आपका UNO मीन्स यूनाइटेड नेशन की जो आपकी एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, इसके द्वारा ये जो T2 कार्यक्रम चलाया गया है, ये T2 कार्यक्रम बाघ की आबादी दुगनी करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में आपका WWF T2 कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य या उसका लक्ष्य है 2020 तक बाघ की आबादी दुगनी करना। 2010 में लॉन्च किया गया था, 2020 तक बाघ की आबादी इसका दुगनी करने का लक्ष्य रखा था। इसी दिशा में नेपाल जो है, वर्ष 2018 में नेपाल बाघों की आबादी दुगनी करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। नेपाल WWF T+2 कार्यक्रम में बाघों की आबादी दुगनी करने वाला पहला राष्ट्र बना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रहने की योग्यता के मानकों के आधार पर यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया गया है भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, ये दी गई है अमृत मिशन। अमृत मिशन के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इसमें पहली प्रायोरिटी दी गई है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर है आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर है उड़ीसा और थर्ड पोजीशन पर है आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की इसमें क्या स्थिति है, इसे हम कवर करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ वाले करंट अफेयर में। तो ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा। तो आज का हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें हमने सितंबर माह के करंट अफेयर पर चर्चा किया, ये यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी आंकड़े संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।